नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश के सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत की जो शुरुआत है आज हो गई है, आज ट्रायल हुआ है, पटना से रांची के लिए रवाना हो चुकी है ये ट्रेन। और जैसे ही ये ट्रेन जहानाबाद पहुंची, स्थानीय के बीच, लोगों के बीच काफ़ी उत्साह देखने को मिला, काफ़ी खुश है ये लोग। जैसे ही जहानाबाद स्टेशन पे ये वंदे भारत ट्रेन पहुंचती है, सभी लोग उत्साहित होकर इस ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में जुट गए हैं। आप तस्वीरों में भी देखिए कि कैसे ये ट्रेन जहानाबाद स्टेशन पहुंची है, लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई है, कितने उत्साहित हैं ये सभी। सभी सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर जमा हो गए हैं। और इसको लेकर जो स्थानीय वहाँ पर मौजूद है, यह भी कह रहे हैं कि नए भारत का नया ये कॉन्सेप्ट है। पहले हमने बड़े बड़े दूसरे शहरों में देखा था, लेकिन अब ये बिहार में भी शुरू हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय, एक बार वो सुने। बहुत अच्छा शुरुआत है और इसके मैंने चलने से जहानाबाद के लोग को, गया के लोगों को, कोडरमा के लोगों को बहुत सुविधा होगा और आशा करते हैं कि हम लोग को मैंने सुविधा मिलेगा जहानाबाद के लोगों को। एक नए भारत का ये नया कॉन्सेप्ट जो रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है और ये वंदे भारत के माध्यम से जो कहते हैं कि अभी तक जो हम लोग देखते थे कि बड़े बड़े शहरों में ही बड़ी गाड़ियां जाती थी, आप तो छोटे छोटे जगहों से ये नई सरकार ने शुरुआत करी है और ये वंदे भारत उसी का एक परिणाम है। बड़ा सुखद है, आज तो यहाँ काफ़ी लोग आए हैं, जितने लगता है संख्या लोग जाने वाले थे उससे ज़्यादा कहीं देखने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। तो ये ट्रायल है और मैं चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके या नियमित रूप से यहाँ चले और संख्या जो 8 बोगियों का है यह क्रम बढ़े और आने वाला में बढ़ेगा, तभी तो यहाँ पर सफर लोग ज़्यादा कर पाएंगे। तो आपने सुना कि इसको लेकर जो वहाँ पर स्थानीय आए हुए थे इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए, बता रहे हैं कि ये अच्छी सौगात है, रेलवे की तरफ से ये पहल की जा रही है, सरकार की तरफ से ये पहल की गई है कि अब बिहार से भी ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गुजरेगी। और ये हम जो तस्वीर है और ऐसी ट्रेनें जो है वो बस हम दूसरे जगह ही देखा करते थे, दूसरे बड़े बड़े शहरों में देखा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी अच्छी शुरुआत है। नए भारत का नया कॉन्सेप्ट जो है वो भी लाया गया है। और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए होर में लोग लगे हैं, ट्रैक के पास भी आ गए हैं, खाली कराने में रेल पुलिस के भी यहाँ पर पसीने छूट गए हैं। ट्रेन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस है और चाहे सेंसर डोर की बात करें या फिर जैसे ही ट्रेन खुलता है, सभी लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर जमा हो गए हैं। और सभी जो इसके अंदर सुविधाएँ दी जा रही है उस की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा ट्रेन जो है या फिर ऐसे ट्रेनों का परिचालन जो है वो दूसरे जगह या फिर दूसरे बड़े बड़े शहरों में होता था, लेकिन ये पटना, जहानाबाद और कोडरमा वाले लोगों के लिए अच्छी पहल है। नए भारत का नया ये कॉन्सेप्ट है, सरकार ने ये अच्छी पहल की है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।